आप देख रहे हैं घमासान.com, मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। क्या तीन तलाक जलती चिता के समान था? तीन तलाक की लड़ाई लड़ने वाली सायरा बानो ने कहा। संस्था आगाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में इंदौर पहुंची तीन तलाक के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाली नुसरत जहां और सायरा बानो ने कहा कि तीन तलाक पीड़ित महिला जलती चिता के समान है। संस्था आगाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में इंदौर पहुंची तीन तलाक के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाली नुसरत जहां और सायरा बानो ने कहा कि अभी भी बहुत कम मुस्लिम महिलाओं को जानकारी है कि तीन तलाक के खिलाफ कानून बन गया है। नुसरत जहां ने कहा कि उन्हें जान का खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसके बावजूद वे ससुराल में रह रही हैं जहाँ सब उनके खिलाफ है। वहीं सायरा बानो ने कहा कि तीन तलाक के खिलाफ कानून बन जाने के बाद लोग कह रहे हैं कि पति के जेल चले जाने पर परिवार तबाह हो जाएगा। मैं कहना चाहती हूं कि जब किसी महिला को तलाक दे दिया जाता है, उस पर क्या गुजरती है, वो जलती चिता के समान हो जाती है। श्रीफल प्रदान करती हूं श्रीमान कोचर दीदी। ईशरत जहां बहन का स्वागत करती हूं सुमन कोचर दीदी। तीन तलाक हमारे समाज के मुस्लिम बहनों के लिए एक ऐसी शब्द है जिससे हमारी बहनों को हर वक्त डर लगा रहता था कि अगर रोटी जल गई तो उसके लिए तलाक दे दिया जाएगा, दाल में नमक ज्यादा हो गया उसके लिए तलाक दे दिया जाएगा। छोटी छोटी चीजों के लिए हमारी बहनों के डर लगा रहता था। बहुत सारी ऐसी घटना आई है, हमारी बहनें जो गुल लगाती है उसके लिए उन्हें तलाक दे दिया गया। तीन तलाक हमारे कुरान में भी नहीं है, ना हमारे नबी को पसंद थी, ना हमारे खुदा को पसंद थी। किसी और बहने का घर नहीं बर्बाद हो, इसीलिए मैं तीन तलाक के ऊपर काम कर रही हूँ। मोदी जी और मोदी जी सरकार ने हमारे लिए जो किया, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। माननीय मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विश्वास के साथ खड़े रहें। आइए हम एकत्रित होकर यह संकल्प करें कि हम ऐसी जो कुप्रथा है जो हमारे समाज में प्रचलित है उसकी जड़ों को खींचकर फेंक डालें और एक नव निर्मित समाज का निर्माण करें। और वहाँ पे सभी लोग मेरे खिलाफ है, किसी वक्त भी मेरे ऊपर हमला हो सकता है, किसी वक्त मेरे ऊपर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं उस एरिया में रहती हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। क्या मुस्लिम समाज की महिलाओं की धारणा बदली है? कभी भी कुछ भी मेरे साथ कर सकते हैं, लेकिन मैं रहती हूँ क्योंकि खुदा मेरे साथ है और खुदा के ऊपर पूरा भरोसा है कि अगर मैं कुछ गलत नहीं की तो मुझे कुछ नहीं होगा। कुरूति थी, बहुत बड़ी कुरूति समाप्त हुई है। अब धीरे धीरे मतलब लोगों को फायदे महसूस होंगे और जब कुरूति बहुत बड़ी कुप्रथा थी समाप्त हुई है। अब समाप्त होने में टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा और एक दिन न्याय और लोग सामने आएंगे ओपनली। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।